मैं नीता ठाकुर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एस स्टडी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वी एस स्टडी हब में एचपीजी के हिंदी लिटरेचर और हिंदी ग्रामर की वीडियो जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी ग्रामर का पार्ट वन। हमने कारक का कर लिया था, आज हम करेंगे पार्ट टू कारक का। ठीक है, और टॉपिक हिंदी ग्रामर का कौन सा टॉपिक है हमारा, ये 10 टॉपिक है और कारक का पार्ट टू है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कारक के डेफिनेशंस की थी, उसके भेद किए थे हमने, और फिर कारक और परसर्ग जो किए थे वो हमने कर्ता और कर्म के कर लिए थे दो। आज हम थर्ड करने जा रहे हैं, वो है करण। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो वित्रिक और महत्वपूर्ण बातों के साथ कि करण कारक को हम एग्जाम में आ जाए तो उसको कैसे पहचाने। ठीक है, तो देखेंगे थर्ड कर्ण कारक। तो ये जो कर्ण कारक है ऐसे डेफिनेशन तो इसकी है कि जिन शब्दों की सहायता से क्रिया का कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कारक। लेकिन मैं सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो कर्ण कारक वो होता है जब भी कोई वाक्य है आप रीड करते हो उसमें कोई काम हो रहा है तो आपने देखना है कि वो काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है। ठीक है, जैसे माना फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाक्य हम लेते हैं, जैसे पापा जहाज से अमेरिका गए। ठीक है, तो पापा अमेरिका गए पर उनके वहां जाने का माध्यम क्या था। ठीक है, मतलब माध्यम होता है कर्ण कारक जो है वो आपने याद रखना है कि माध्यम, माध्यम मतलब जो भी काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, क्या माध्यम यूज हो रहा है उसमें। ठीक है, तो अब पापा जहाज से अमेरिका गए, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा कारक है, कर्ण कारक कौन सा है, तो जहाज से। ठीक है, मतलब जहाज जो है वो उनके जाने का माध्यम बन रहा है। ठीक है, और जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम कि यात्री ने डंडे से सांप को हटा दिया, तो उसने सांप को हटाया किस माध्यम से, डंडे से। तो देखो से आ रहा है आपका, पर अब जैसे इन एग्जांपल से आपने ये नहीं समझ लेना है कि से जो है वो हर वक्त जो है वो एक माध्यम के रूप में ही प्रयोग होता है। जैसे हमारा ये करण है तो ये हमेशा जो आएगा आपका माध्यम के रूप में आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि से, जैसे अभी महत्वपूर्ण बातें देखेंगे इसमें आपको क्लियर होगा। देखो फर्स्ट देखेंगे, कभी कभी से के स्थान पर के साथ या के द्वारा भी यूज होता है, तो करण में आपने हमेशा ये नहीं देखना है कि से ही आता है, से नहीं, इसके स्थान पर क्या आपका, इसके स्थान पर क्या आ जाता है, के साथ या के द्वारा भी आ जाता है आपका। जैसे रोहन ने साग के साथ, क्या है इधर हमारा करण कारक, देखेंगे क्या आया इधर हमारा, इधर आया के साथ, यहाँ पे से नहीं आया हमारा, तो अब के साथ आया तो भी हमारा ये करण कारक होगा, क्योंकि हमने अपने महत्वपूर्ण बातों में ट्रिक में ये देखा है, ये लर्न किया है कि से के स्थान पर कभी कभी के साथ भी आता है या के द्वारा, के साथ या के द्वारा भी यूज होता है। तो यहाँ पर से ना यूज होकर क्या प्रयोग में आया, यहाँ पर रोहन ने साग के साथ लस्सी भी पी, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर से की जगह के साथ प्रयोग में हुआ है और ये करण कारक ही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, सर ने एसएमएस द्वारा सूचना भेजी। ठीक है, एसएमएस द्वारा, तो फर्स्ट ट्रिक देखेंगे क्या है हमारा कि कभी कभी से के स्थान पर के साथ या के द्वारा भी आता है। तो फर्स्ट वाक्य हमने क्लियर किया उसमें के साथ आया, अब सेकंड वाक्य हमारा तो उसके उसमें क्या आया हमारा, से ना लगकर द्वारा आया यहाँ पर। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान में रखनी है बात कि हमेशा से ही करण कारक नहीं होता बल्कि के साथ या द्वारा लगाने से भी हमारा करण कारक पूर्ण हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, से हमेशा साधन के रूप में ही नहीं प्रयोग होता। ठीक है, अब आपने ये गलतफहमी नहीं रखनी है कि से जो है वो हमेशा आपका एक माध्यम के रूप में ही प्रयोग होगा, ऐसा नहीं होता, से जो है वो हमेशा साधन के रूप में नहीं प्रयोग होता वो। ठीक है, कैसे, अब देखो यहां भी क्लियर होगा, अब देखो मैम की बातें ध्यान से सुना करो, तो यहाँ पे कोई माध्यम लिया हमने सुनने के लिए, नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैम की बातें ध्यान से सुना करो, तो यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है। लेकिन अगर आपसे करण पूछा जाए तो क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान से, तो मतलब करण कारक है इधर हमारा। तो हमेशा आपने अपने दिमाग में ये बात नहीं रखनी है कि करण जो है वो माध्यम है तो हर वाक्य में ये माध्यम का ही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने एक वाक्य किया कि मैम की बातें ध्यान से सुनो, ठीक है, तो यहाँ पर माध्यम ना बंद करिए, सिर्फ इसको जोड़ने का एक योजक शब्द बना हमारा, ध्यान से सुना करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अमर टीबी से मरा। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, से,
तो अमर मरा, किससे मरा? वो टीबी से मरा, मतलब उसके मरने मरने का क्या रीजन रहा? टीबी रहा। तो यहाँ भी इसने माध्यम का काम नहीं किया, बल्कि ये ऐसे एज ए यूजर ही यूज हुआ हमारा से। लेकिन अगर पूछा जाए तो करण काल में टीबी से ही आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, लास्ट वाक्य देखेंगे, रोहित के साथ देखेंगे, रोहित के साथ मेट्रो में चले जाना। तो यहां भी क्या है, अब से का प्रयोग ना करके क्या है यहाँ पर, स्थान, इनके स्थान पर के साथ का प्रयोग हुआ है कि रोहित के साथ मेट्रो में चले जाना। आपने करण कारक में हमेशा ये बात याद रखनी कि करण कारक में क्या होता है कि हमेशा से के स्थान पर जो है वो हमेशा जो है वो से जो है वो एक साधन के रूप में प्रयोग नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जो करण कारक है उसके से के स्थान पर के द्वारा और के साथ भी आ जाता है, और यही पर ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अब के स्थान या के द्वारा आ गया या फिर से की जगह वो एज एक माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है, वो एक योजक के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो क्या वो करण कारक है या नहीं है। तो आपने ये दो बातें हमेशा याद रखनी है, ये बातें आपको याद होगी तो आपको कभी भी करण कारक पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये था हमारा थर्ड करण कारक था ये हमारा। ठीक है दोस्तों, हो गया क्लियर आपको? नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट है फोर्थ है हमारा संप्रदान। अभी हमने कर्ता, कर्म और करण ये तीनों कर लिए, फोर्थ अभी हम कर रहे हैं, फोर्थ है हमारा संप्रदान। तो संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, परिसर क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं इसका संप्रदान का, को के लिए इसके चिन्ह होते हैं, मेन चिन्ह होते हैं जिसको जो है हम हर बुक में देख सकते हैं कि संप्रदान को के जो विभक्ति होती है, परिसर्ग होता है, वो क्या चिन्ह होते हैं उसके, को के लिए। लेकिन इनकी दो चिन्ह और भी होते हैं जो आपको बहुत कम बुक्स में मिलेंगे, वो है के हेतु और के वास्ते। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जब भी जिस वाक्य में आपको के हेतु या के वास्ते शब्द मिलता है तो वो भी हमारा संप्रदान कारक में ही आता है। ठीक है, विभक्ति पता चल गई हमें कि संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, को के लिए, के हेतु, के वास्ते, ये सारे शब्द जो होते हैं वो संप्रदान के वाक्य में ही आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट हम आगे महत्वपूर्ण बातों में क्या जाएगा हमारा, ये जो है ये बहुत काफी इम्पोर्टेंट है ये हमारा सारा, तो इसको अच्छे से देखेंगे। संपर्क, क्योंकि अब ये यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि संप्रदान और कर्म ये जो है हमारे कौन कौन से, संप्रदान देखेंगे, ये है संप्रदान और कर्म, तो इन दोनों की विभक्ति को होती है। ठीक है, कर्म और संप्रदान दोनों के जो चिन्ह होते हैं वो को ही होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर वाक्य में आ जाए तो कौन सा कर्म कारक है, कौन सा संप्रदान कारक है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद होगा तो आप कभी भी उसमें गलती नहीं करेंगे। तो देखते हैं इसको, संप्रदान और कर्म दोनों कारक वाक्य में दिए गए हो तो क्या ध्यान रखना है आपने, कर्म कारक के साथ को परसर्ग नहीं लगता। जब भी वाक्य में आपको कर्म और संप्रदान दोनों एक साथ मिलेंगे तो ये याद रखना कि कर्म जो होता है, कर्म कारक, उसके साथ उसकी विभक्ति जो होती है उसका लोप हो जाता है, वो उसके साथ को नहीं लगता, संप्रदान के साथ ही को लगता है। ठीक है, जैसे आप जैसे कर्म दूसरा इसका फर्स्ट ये है, और दूसरा क्या है कि कर्म जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि वाक्य में जो है ये संप्रदान और जब कर्म दोनों एक साथ आते हैं तो वहां पर दो कर्म होना अनिवार्य होता है। तो कर्म भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, कर्म दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रत्यक्ष कर्म होता है वो होता है हमारा जो मेन कर्म होता है कि कौन सा कर्म है जिसके जो कर्म किया जा रहा है कर्ता के द्वारा। ठीक है, वो होता है हमारा प्रत्यक्ष कर्म, और अप्रत्यक्ष जो होता है गौण रूप में उस वाक्य में पाया जाता है उसे अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। तो इसमें भी ये ट्रिक है कि आपने हमेशा ये याद रखना है कि अप्रत्यक्ष जो हमारा अप्रत्यक्ष कर्म होगा वो सदैव जो है वो संप्रदान कारक होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अप्रत्यक्ष जो होता है हमारा कर्म वो सदैव क्या होता है हमारा संप्रदान होता है, वो संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो एग्जांपल कर ले अब हम, तो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, माँ ने, आपने जैसे संप्रदान है तो इसकी परिभाषा जो है बुक्स में बहुत कुछ लिखी होती है, लेकिन आपने सिर्फ सर्व शब्दों में ये याद रखना है कि वस्तु प्रदान की जाती है, किसी को वस्तु दी जाती है तो वहां पे संप्रदान कारक आता है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, माँ ने पंडित जी को खाना दिया। ठीक है, माँ ने
पंडित जी को खाना दिया, फिर यहाँ कुछ देने की बात हो रही है, तो क्या बताया है आपको, वस्तु प्रदान की जाती है मतलब संप्रदान कार्य। तो क्या कार्य आ गया ये हमारा, संप्रदान कार्य। ठीक है, नाना जी ना, अब ये देखो जा को, यहाँ पे क्या आ गई संप्रदान की विभक्ति, को आ गई हमारी। ठीक है, और नेक्स्ट है नाना जी नानी के लिए वस्त्र लाए। ठीक है, नाना जी नानी के लिए वस्त्र लाए, तो देखो के लिए भी किसकी विभक्ति है, एक विभक्ति तो संप्रदान की को होती है, दूसरी विभक्ति होती है हमारी के लिए, तो यहाँ पर के लिए आ गया, तो मतलब संप्रदान कार्य हमारा ये। ठीक है, नेक्स्ट है भक्त दर्शन हेतु। अब देखो अगर आपको, अगर आपने ये दो दो विभक्तियां आपको नहीं पता होगा तो आप जरूर कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि के हेतु और के वास्ते जो है तो इसमें कौन सा कारक आता है। ठीक है, तो इसलिए आपने संप्रदान कारक की को के लिए विभक्ति जब करनी है तो के हेतु और के वास्ते भी साथ साथ में लर्न रखने हैं आपने। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा भक्त जो है दर्शन हेतु मंदिर गए, तो हेतु शब्द आया तो बिना सोचे संप्रदान कारक ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है पापा ने दादी को उपहार भेजा। ठीक है, पापा ने दादी को उपहार भेजा। आप देखो यहाँ पर क्या है हमारे, पहला कर्म ये है हमारा, दूसरा कर्म ये है। ठीक है, पापा ने दादी को उपहार भेजा, दो कर्म है। ठीक है, द्विकर्मक वाक्य है हमारा ये। ठीक है, तो पहला कर्म है दादी, दूसरा कर्म है उपहार। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे जो पापा ने क्या कर्म किया, उपहार भेजा, तो मुख्य कर्म क्या है उनका, उपहार भेजना। तो ये उपहार जो है हमारा ये क्या आ गया हमारा, प्रत्यक्ष कर्म। क्या आ गया हमारा उपहार, प्रत्यक्ष कर्म। और मैंने आपको बताया है कि प्रत्यक्ष कर्म जो है वो क्या होता है हमारा, ये कर्म कारक होता है हमेशा। ठीक है, और दादी क्या आ गई हमारी, दादी आ गई अप्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, प्रत्यक्ष कर्म आ गया हमारा उपहार, अप्रत्यक्ष आ गई हमारी दादी, तो दादी के साथ जो है वो अप्रत्यक्ष कर्म है, तो क्या लगेगा हमारा, कौन सा कारक आएगा, ये संप्रदान कारक यहाँ पर। ठीक है, अब आपने देखा, ध्यान दिया होगा कि जो हमारा कर्म कारक है उपहार, इसके साथ क्या बोला है, कर्म कारक के साथ को उपसर्ग नहीं लगता। तो आपने देखा, नोट किया यहाँ पर कि उपहार के साथ को नहीं लगा है यहाँ पर। ठीक है, नहीं लगा है ना को, यहाँ पर को लगा है अप्रत्यक्ष कर्म, दादी के साथ को लगा है, तो मतलब यहाँ पर को लगा है, तो मतलब अप्रत्यक्ष क्या है हमारा, ये संप्रदान कारक। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह का ही एग्जाम्पल है ये, माली ने बच्चे को फूल दिया। अब देखेंगे आप, फूल क्या आ गया, माली ने क्या कर्म किया, क्या मेन कर्म रहा उसका, उसने फूल दिया। ठीक है, तो फूल आ गया हमारा कर्म कारक, और यहां देखेंगे ट्रिक के साथ, तो कर्म कारक के साथ को उपसर्ग नहीं लगा, यहाँ भी देखेंगे को उपसर्ग नहीं है, तो मतलब ये हमारा कौन सा कारक है, ये कारक है हमारा कर्म कारक। अब दूसरे आ जाएंगे अप्रत्यक्ष कर्म के ऊपर, दो कर्म थे ये, प्रत्यक्ष कर्म अप्रत्यक्ष कर्म, तो अप्रत्यक्ष कर्म क्या है, बच्चे आ गया हमारा अप्रत्यक्ष कर्म, जो और अप्रत्यक्ष कर्म हमेशा किस में आता है, संप्रदान कारक में आता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा संप्रदान कारक कि किस तरह से ये होता है सारा, बाकी हम और भी इसमें डिटेल में करेंगे जब कर्म और संप्रदान के बीच में हम अंतर करेंगे कि कर्म और संप्रदान के वाक्यों में मुख्य मुख्य क्या अंतर होते हैं, तो दोनों को हम जब एक साथ करेंगे तो और भी ज्यादा आपको क्लियर होगा कि कर्म जो है और संप्रदान जो है को इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम करण और अपदान का भी आपस में अंतर करेंगे, तो इन दो जिनकी विभक्ति सेम सेम है वो सारे ही हम उनका अंतर भी करेंगे ताकि फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फोर्थ संप्रदान जो है वो आपको क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट भेद है हमारा अपदान। अब अपदान कारक जो होता है इसमें अगर हम बिल्कुल साधारण शब्दों में इसकी परिभाषा दें तो अपदान का मतलब होता है किसी से अलगाव की स्थिति में अपदान कारक आता है। जैसे कि अब ये जो है परिभाषा ये सभी बुक्स में पुस्तकों में आपको मिल जाएगी कि अलगाव की स्थिति में अपदान होता है, पर ये केवल अलगाव को समझना भी मुश्किल हो जाता है कि हर बार जो है वो अलगाव या जुदाई की स्थिति में अपदान का प्रयोग नहीं होता, और भी कई स्थितियां हैं ये, जैसे जो परिस्थिति ये जो स्थितियां हैं ये मैंने एक एक करके लिखी है, इसके अकॉर्डिंग दो दो इनके एग्जाम्पल भी दिए, तो हम ये सारे अच्छे से समझेंगे कि अपदान में अलग होने के अलावा और भी क्या आता है, और मैंने ये परिभाषा भी वैसे ही लिखी है। देखो अलग होने की स्थिति में तो आता ही अपदान, ये हर कोई जानता है, लेकिन
निकलने की स्थिति से, जैसे यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, तो उस निकलने की परिस्थिति में भी अपादानकार करता है। डरने की स्थिति में, डरने से जैसे मानो बिल्ली को देखकर राधा भाग गई या डर गई, मतलब वो बिल्ली से, बिल्ली को देखकर डरी वो, फिर वो भाग गई, तो वो उससे दूर हो रही है, अलग हो रही है, मतलब एक तरह से जुदाई आ रही बिल्ली के साथ उसकी, तो वो भी किस इसमें आएगा, अपादान कारक में, ठीक है। आगे है सीखने, लज्जित होने, तुलना करने का भाव, ये आपने जरूर लर्न कर लेना कि अलग, ये अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लज्जित और तुलना, ये जब ये भाव जब किसी एक वाक्य में आ जाते हैं तो वो अपादान कारक उसमें होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपने लर्न कर लेने हैं। और इसके अलावा और क्या स्थितियां आती है अधिकतर वो देखेंगे। निकलने के भाव में, जैसे हमने यहाँ पढ़ा अभी निकलने और डरने, तो निकलने के भाव में कैसे आ जाएगा हमारा, निकलने के भाव में आ जाएगा तुम्हारा, रामू घर से निकला, ठीक है, रामू घर से निकला। तो अब रामू घर से निकला है तो घर से जुदा हो रहा, अलग हो रहा है वो, तो क्या आ जाएगा इसमें, रामू घर से निकला, तो निकलने के भाव में भी क्या आएगा हमारा, अपादान कारक। नेक्स्ट है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, चोर पुलिस के चुंगल से भाग निकला, चोर पुलिस के चुंगल से भाग निकला, ठीक है, तो क्या गया ये हमारा, ये अपादान कारक। अब जो चोर है वो पुलिस से क्या हो रहा है, चुंगल से जब भागेगा तो वो उससे दूर ही होगा, अलग ही होगा ना, तो वो स्थिति में क्या आ जाएगा हमारा, अपादान कारक। नेक्स्ट हमारा अलग होने की स्थिति में या गिरने की स्थिति में, तो क्या है देखो, पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से वो जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है, तभी वो नीचे गिरा, तो उसमें क्या जाएगा हमारा, अपादान कारक। हाथ से पेन फिसल गया, हाथ से पेन फिसलेगा तो वो नीचे ही गिरेगा ना, तो उसमें क्या जाएगा हमारा, अपादान कारक। नेक्स्ट है हमारा आरंभ होने की स्थिति में, आरंभ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं में ये जो दो होती है, आरंभ होने की स्थिति में और तुलना की स्थिति में, तो ये स्थितियां जो है आपने जरूर लर्न कर लेनी, क्योंकि यही कंफ्यूजन क्रिएट करती है जब ये आरंभ, क्योंकि हमने अपादान हमेशा पढ़ा होता है कि अलगाव की स्थिति में या जुदाई की परिस्थिति में यूज होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, कम पुस्तकों में देखने में मिलता है कि आरंभ होने की स्थिति में और तुलना की स्थिति में भी अपादान होता है हमारा, ठीक है। कैसे होता है देखेंगे, आरंभ होने की स्थिति में कैसे होगा, नंबर वन एग्जांपल है हमारा, परीक्षा कल से आरंभ हो रही है, ठीक है, परीक्षा कल से आरंभ हो रही है। अब क्या है, कल से परीक्षा आरंभ हो रही है, तो इसमें कौन सा भाव है हमारा, आरंभ होने का भाव है, तो याद रखना है अपने कि आरंभ होने के भाव में जो है वो वाक्य में कौन सा कारक आ जाता है हमारा, अपादान कारक, ठीक है। सेकंड देखेंगे, पुस्तक मेला 10 जून से आरंभ होगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, आरंभ होने का भाव है, पुस्तक मेला 10 जून से आरंभ होगा, तो मतलब आरंभ होने का हमारा यहाँ पर ये भाव आया होती है। लास्ट है हमारा तुलना का भाव, अपादान में जो जब जिस वाक्य में तुलना का भाव आ जाता है तो वो भी अपादान कारक में, कैसे, राजा रानी से ज्यादा तेज है, तो हमने तुलना कर दी दोनों की, तुलना आ गई, तो आपसे कारक एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक आ गया, तो अपादान कारक, ठीक है। अब अनु से मनु की आवाज ज्यादा सुरीली है, तो इसमें भी हमने क्या किया, इसमें भी हमने अनु और मनु की जो है वो तुलना कर दी, तुलना करने से क्या हो गया हमारा, ये अपादान कारक। तो हमने मतलब कहने का भाव ये है कि अपादान आपने सिर्फ के जुदाई के अलगाव से ही नहीं याद रखना है, आपने जब अपादान की डेफिनेशन लर्न करनी है, क्लियर करनी है, तो आपने ये भाव जरूर देखने हैं कि निकलने, डरने, सीखने, लज्जित और तुलना की स्थिति में, आरंभ होने की स्थिति में भी अपादान का जब उस वाक्य में ये भाव होते हैं तो वो अपादान कारक ही होता है, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा कौन सा, अपादान कारक, ये हो गया आपको क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट कारक है हमारा सिक्स्थ, संबंध कारक। तो संबंध कारक में क्या होता है, तो ये वो पद होता है जिसमें संबंध बताने वाले जो भी शब्द होता है वाक्य में उनको हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जो एक, जो मतलब जैसे एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताते हैं, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, तो उस कारक को हम क्या कहते हैं, संबंध कारक बताते हैं, ठीक कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसका, यह मेरा घर है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यह मेरा घर है।
तो क्या है ये अपना संबंध अपने घर से बता रहा है कि यह घर जो है वो मेरा घर है। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, ये संबंध कारक आ जाएगा। और संबंध में क्या आ जाता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि इसके जो बसर्ग होते हैं वो का के की रा रे री ना ने नी, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यह मेरा घर है तो रा रे री, ठीक है, तो यह मेरा घर है। तो इसमें क्या आ गया, घर के साथ संबंध बताया गया, तो ये आ गया हमारा संबंध कारक। दूसरा है हमारा रोहन की कार सुंदर है, का के की, ठीक है, क्या प्रसंग आ गया यहाँ पे की, रोहन की कार सुंदर है। रोहन की, रोहन का संबंध उसकी कार से बताया जा रहा है कि ये कार है, किसकी कार है, किसके साथ इसका संबंध है, रोहन के साथ, रोहन की कार सुंदर है। तो इस वाक्य में भी क्या आ गया हमारा संबंध कारक आ गया। ठीक है, संबंध कारक हो गया, अधिकरण और संबोधन, इन तीनों में को पहचानने की दिक्कत नहीं आती क्योंकि इनकी परिभाषा ही खुद को पूरा डिफाइन कर देती है। तो जिससे अगर, और इनमें बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, जो अधिकतर होते हैं संप्रदान हो गया, अपदान हो गया, कर्म हो गया, तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज, अपदान हो गया, कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट रहता है, होता है अक्सर, तो वो उसी से ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो संबंध समझ आ गया आपको। अधिकरण देखेंगे, अधिकरण जो होता है वो क्रिया का आधार बताता है कि क्रिया जो हो रही है तो वो बताता है कि उसका, क्रिया का स्थान बताता है, भाव बताता है, काल बताता है। स्थान की कहां पर हो रही है, भाव की मतलब उससे कौन सा भाव जुड़ा है, काल का मतलब समय, कौन सा समय, घंटा पहले, दो घंटा पहले, बाद में, कितने बजे, तो वो काल बताता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, रानी छत के ऊपर। ठीक है, अब अधिकरण में ज्यादातर क्या होता है कि जो उपसर्ग होते हैं उसमें हम अधिकतर पढ़ते हैं कि अधिकरण में पर, बस वहीं पे रुक जाते हैं कि अधिकरण का उपसर्ग होता है में पर, लेकिन नहीं, अधिकरण का जो उपसर्ग होता है वो सबसे अधिक होते हैं, वो होता है में पर, के ऊपर, आगे के बाद में, के पहले, भीतर। तो ये सारे आपने लर्न करने के, में पर क्या, के ऊपर आए, के बाद आए, के भीतर आए, या फिर के पहले आए, तो वो सारे के सारे कौन से, किसके उपसर्ग होते हैं, अधिकरण के होते हैं। ठीक है, तो आगे है मछलियां पानी के भीतर। ठीक है, क्या है, मछलियां पानी के भीतर है, तो यहां पर के भीतर आ गया, तो मतलब अधिकरण कारक। रेल दो घंटे पहले, ठीक है, क्या बता रही है ये, काल, काल बता रहा है हमारा कि रेल दो घंटे पहले आ गई, तो मतलब ये के पहले, समय से पहले आ गई, तो ये भी पहले वाला जो हमारा प्रसंग है वो किसका है, हमारा अधिकरण का। लास्ट है हमारा संबोधन। संबोधन, संबोधन शब्द के उस रूप से, उस रूप को कहा जाता है जिस रूप से किसी को पुकारा जाता है, तो उसको हम संबोधन कहते हैं। जैसे अरे, रे, हे, अजी, ओ, ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये संबोधन होते हैं। जब हम किसी को पुकारे होते हैं बिना उसके नाम लिए, तो वो सारे जो होते हैं वो संबोधन के अंदर आते हैं। अरे, वाह, ये सारे जो है वो संबोधन होता है। इसका पहचानने का एकमात्र ट्रिक होता है कि ये क्या होता है, विस्म्यादी बोधक चिन्ह अक्सर इसमें लगा ही मिलेगा आपको। जहां पे भी विस्म्यादी बोधक चिन्ह आ जाए, समझ लेना ये संबोधन कारक ही है। जैसे अरे, यह क्या कर डाला, ठीक है, अरे, यह क्या कर डाला, ठीक है, तो अरे जो है ये वो क्या है, हमारा संबोधन। ठीक है, नेक्स्ट है वाह, क्या छक्का मारा। वाह, तो जैसे किसी को बोला, जिसने छक्का मारा उसको क्या बोला उन्होंने, वाह क्या छक्का मारा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी विस्म्यादी बोधक चिन्ह आया, यहाँ पे भी आया, तो जहां पे भी विस्म्यादी बोधक चिन्ह आएगा वो आपका कारक जो होगा वो कौन सा होगा, संबोधन कारक होगा। ठीक है, ये संबंध कारक भी हमने अभी किया, अधिकरण भी किया और संबोधन भी कर लिए। तो ये थे दोस्तों हमारे कारक के आठ भेद, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, जो हमने दो पार्ट में कंप्लीट किए। ये हिंदी ग्रामर का टॉपिक 10 है कारक, जिसका पार्ट 1 हमने पहले कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हो। और ये पार्ट 2 है कारक का, जो आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ये थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलती नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।